डिमांड उठाई कि छात्र संघ का चुनाव होना चाहिए, लेकिन डिप्टी सीएम जो हायर एजुकेशन के मिनिस्टर है उन्होंने इस पर कोई जवाब नहीं दिया है, क्या कहना चाहेंगे? लेकिन निश्चित रूप से छात्र संघ चुनाव होने चाहिए, नए छात्रों को मुख्य धारा की राजनीति के लिए तैयार हमें करना चाहिए। मुझे लगता है अगर छात्र संघ चुनाव करवाए जाएंगे तो आने वाले समय में प्रदेश को और देश को एक मजबूत एक युवा नेतृत्व मिल पाएगा। तो मैं छात्र संघ चुनाव के पक्ष में भी हूँ, पहले भी विधानसभा के अंदर कई बार आवाज़ उठाई है, आगे भी मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। युवाओं के साथ, छात्रों के साथ हमेशा मजबूती से खड़े रहेंगे, और छात्र संघ चुनाव और छात्र राजनीति ना होती तो शायद हम लोग भी यहाँ नहीं होते। तो मैं वापस पुनः आप सभी के माध्यम से सरकार से निवेदन करूंगा कि छात्र संघ चुनाव कराएं, नए युवाओं को मौका दें। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, विधानसभा में कई विधायकों ने आवाज उठाई, लेकिन सरकार का रिप्लाई जो था वो उसमें नजर नहीं आया कहीं भी। सरकार का रिप्लाई नहीं आया, पर मुझे लगता है कि आने वाले समय में सकारात्मक रिप्लाई आएगा, छात्रों के हित में उनके हक में फैसला जरूर आएगा, मुझे पूरा भरोसा है। आज विधानसभा में उच्च शिक्षा मंत्री जी ने जब डिमांड पर रिप्लाई दिया तो हम सब लोगों को ये उम्मीद थी कि छात्र संघ चुनावों की बात होगी, और जो छात्र संघ के पदाधिकारी है, छात्र नेता है, जो पूरे प्रदेश में आंदोलन कर रहे हैं, हम लोगों ने राजस्थान के विधानसभा में सदन में भी ये बात रखी और मीडिया के समक्ष भी ये बात रखी कि जब छात्र संघ और छात्र संघ से निकले हुए लोग राजनीति की मुख्य धारा में नहीं आएंगे तो मैं समझता हूँ कि हम सब लोग आज अगर इस राजस्थान की विधानसभा में अगर है तो कहीं ना कहीं हमारा जो सबसे बड़ा कारण है वो छात्र संघ की राजनीति रहा है। और अक्सर जिस तरह से डॉक्टर लोहिया जी ने कहा है कि जब सड़कें सुनी हो जाएगी तो संसद आवारा हो जाएगी, ठीक उसी तरह जब छात्र संघ और छात्र राजनीति खत्म हो जाएगी तो निश्चित तौर पर राजस्थान विश्वविद्यालय हो चाहे प्रदेश का किसी भी यूनिवर्सिटी में ऑटोनोमस बॉडी के नाम पर छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव किया जाएगा, फीस वर्दी के नाम से लूट कसोट की जाएगी। जहां सीट वर्दी की बात आती है तब छात्र संघ से निकले हुए लोग और छात्र नेता उसमें अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर राजस्थान के ग्रामीण परिवेश से आने वाले हर स्टूडेंट की लड़ाई को लड़ने का काम करते हैं। मैं आज आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि प्रदेश में आज प्रदेश का नौजवान आंदोलित है, हम सब लोगों को उनके साथ खड़ा रहना चाहिए ताकि आने वाले समय में जिस तरह से जितनी भी यूनिवर्सिटीज है, विश्वविद्यालय प्रशासन है और स्टूडेंट्स हैं उनके बीच में एक सेतु के रूप में अगर कोई काम करता है, चाहे वो सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बारिश हो, हर मौके पर छात्र नेता एक आम व्यक्ति की, आम एक स्टूडेंट की आवाज़ बनकर पूरे प्रदेश में लड़ाई लड़ता है। आज हम सब लोग इस पक्ष में हैं कि छात्र संघ के चुनाव वापस होने चाहिए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी ये आग्रह करूँगा और शिक्षा मंत्री जी से भी ये आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द इसमें कोई सकारात्मक फैसला लेकर प्रदेश की छात्र राजनीति में एक बड़ा मैसेज जाए, बड़ा संदेश जाए और पुनः छात्र संघ चुनाव हो ताकि आने वाले समय में इस राजस्थान की और प्रदेश की राजनीति में जिस तरह से सैकड़ों छात्र नेता आज सदन में अपनी आवाज़ गुंजायमान करते हैं, अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं, उसी तरह आने वाले समय में नए लोग छात्र राजनीति में आए और ऐसे लोग आगे बढ़कर इस प्रदेश के लोगों की आवाज़ को उठाकर इस प्रदेश के नौजवानों की, किसानों की आवाज़ को मुखर करके अपने आने वाले समय में इस प्रदेश के नाम रोशन करने का काम करें। धन्यवाद जी। हमारे राज्य के जो उप मुख्यमंत्री जी हैं खुद छात्र राजनीति से उप मुख्यमंत्री तक पहुंचे हैं, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने रिप्लाई दिया छात्र संघ चुनावों पर सरकार का जो मनमानी है, जिस प्रकार से पूरे राज्य में NSUI संगठन हो, अनेक प्रकार के छात्र संगठन छात्र संघ चुनावों को लेकर सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं, विश्वविद्यालयों में पुलिस के द्वारा जिस प्रकार घुसकर लाठीचार्ज करना, उसकी हम सब लोग निंदा करते हैं। और छात्र संघ चुनाव राजनीति की प्रथम सीढ़ी है, जब तक छात्र संघ चुनाव राज्य सरकार नहीं करवाती है हम सब लोग इस सरकार को घेरने का काम करेंगे, क्योंकि छात्र संघ के चुनाव पर राजस्थान विश्वविद्यालय में लाखों रुपए इकट्ठा किया जाता है, अनेकों महाविद्यालयों में लाखों रुपए इकट्ठा किया जाता है, एक ऑटोनोमस बॉडी खाली सुनसान विश्वविद्यालय रह जाएंगे, महाविद्यालय रह जाएंगे। इस पर जल्द से जल्द राज्य सरकार को सोचना होगा और छात्र संघ चुनाव की अनुमति देनी होगी। और जिन छात्रों पर, जिन छात्र नेताओं पर लाठीचार्ज में मुकदमे दर्ज हुए हैं उनके मुकदमे राज्य सरकार को वापिस लेने पड़ेंगे, नहीं हम सब लोग इस राज्य सरकार का, मुख्यमंत्री जी का लगातार विरोध करेंगे सड़क पर। धन्यवाद।